बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, ये हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है, जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है, वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि आसिम रियाज के प्रपोजल पर, जो उन्होंने हिमांशी से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, उस पर आसिम के भाई उमर रियाज का रिएक्शन सामने आया है। उमर रियाज का कहना है कि उसने एक्साइटमेंट में ये सब कह दिया है। उसे इस बात का एहसास तब होगा जब वो घर के बाहर आएगा कि उसे अभी अपने काम पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी उम्र नहीं है कि वो शादी कर ले। और हाँ, मैं उसे बात करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन मुझे उसके इस फैसले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बस खुश था और ये सब उसमें हो गया। नंबर 2, शिल्पा शिंदे ने शेफाली जरीवाला को उनके एक इंटरव्यू को लेकर एक करारा जवाब दिया है। शेफाली जरीवाला को कहना था कि आसिम ने हिमांशी से पहले उन्हें अप्रोच किया था। इस पर शिल्पा शिंदे का कहना है कि ये सब गलत है, झूठे बयान मत दो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि ये सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करती है और उसकी ही पपेट है, और सिर्फ आसिम पर झूठे इल्जाम लगा रही है उसको डिफेम करने के लिए। और आसिम को तो अभी इस बात का पता भी नहीं है, लेकिन आसिम के फैंस इस बात पर उनको करारा जवाब देंगे। नंबर 3, विकास गुप्ता ने आसिम रियाज की पोल खोल दी है। जी हाँ, विकास गुप्ता का कहना है कि आसिम रियाज यहाँ पर हिमांशी खुराना को डेट करने को लेकर रेडी हैं, उनसे शादी करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड है और ये सब बातें उन्होंने इशारों इशारों में कही। तो वही शहनाज गिल का कहना होता है कि क्या वाकई में इस घर में ये सब हो क्या रहा है। नंबर 4, बिग बॉस के घर में जब इन घर वालों के कनेक्शंस की एंट्री हुई तो उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से कप्तान कौन होना चाहिए, और उस दौरान सभी घर वालों ने अपने अपने वोट दिए। नॉमिनीज बने हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। जी हाँ, अब सिद्धार्थ शुक्ला या फिर शहनाज गिल में से कोई एक ही होगा घर का अगला कप्तान। नंबर 5, घर में अब 4 सदस्य नॉमिनेटेड हैं, जिनमें अब हम आपको बताने जा रहे हैं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड शाम 4 बजे तक मिले वोट्स के बेसिस पर। तो आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को 44.9% वोट्स मिले हैं, शहनाज गिल को मिले हैं 26% वोट, विशाल आदित्य सिंह को मिले हैं 25.5% वोट, तो वही आरती सिंह को मिले हैं 3.7% वोट। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें, जहां पर आपको एपिसोड आने से पहले ये पता चल जाता है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा। इसके अलावा आपको वो भी खबरें पता चलती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती है, फिर चाहे वो सीजन के कंटेस्टेंट से जुड़ी हो, चाहे वीकेंड का वार के लाइव अपडेट्स हो, या फिर मेकर्स से जुड़ी कुछ और खबरें। आपको ये सारी खबरें इन टॉप 5 न्यूज़ में रात 8 बजे हर रोज देखने को मिलती है। तो इसी तरह से इन टॉप 5 खबरों के लिए, हाइलाइट्स के लिए और भी कई चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।